हर चीज जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उससे सीखते हैं अगर उनको खेल का आजादाना मौका दिया जाए तो वो जबान का भी इस्तेमाल करते हैं फिर कुछ जैसे प्रिंटेड वर्ड्स हैं जैसे आपने उनको कहा कि भैया एक गोशे पे चले जाए वहाँ किताबें पढ़ी हैं वो उनसे वो उनको निकालेंगे अपनी मर्जी से निकालेंगे अपनी मर्जी से वो उनको पढ़ेंगे और फिर कुछ कैरेक्टर्स जिनको अपनी मर्जी से वो रोल प्ले करा सकते हैं उनका घर बना के उनके डेली रूटीन्स को डिपिक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में वो सीखते हैं वो और फिर जो चीज़ें जैसे किचन के इक्विपमेंट हैं या गैराज के इक्विपमेंट हैं या ड्राइंग रूम के इक्विपमेंट हैं या किसी शॉप के इक्विपमेंट हैं ऐसी सारी चीज़ों से को जब वो हैंडल करते हैं तो प्रैक्टिकली या ऑपरेशनली वो समझते हैं कि वो क्या काम कर सकती हैं और उनको उन्हीं कामों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ होता है तो प्ले कैन बी इनकोपोरेटेड विद स्किल एनहेंसिंग टेक्निक्स सच एज रीडिंग आउट लाउड और इनहेंसिंग कैरेक्टर्स तो अगर आप खुद भी लाउड कैरेक्टर्स बोल के लाउडली बच्चों को इन्वॉल्व कर लें यानी जैसे स्टोरी ऊंची आवाज़ में सुना लें या फिर बच्चे अपने कैरेक्टर्स के साथ ऊंचा बोलते चले जाएं उनके डायलॉग्स को बताते चले जाएं तो क्या होगा कि उनकी जबान उनके सेन्टेंसेस डेवेलप करेंगे वो कैबलरी बनेगी वो सीखेंगे इससे और फिर जब छोटे करेक्टर्स के साथ बात कर रहे होंगे तो हर करेक्टर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी तो वो इमिटेट कर रहे हैं ना जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो ऐसी सूरत में प्ले के अंदर ही ऐसे बहुत से एक के आउटकम्स हैं जो हम हासिल कर सकते हैं तो सेमी स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक प्ले मैथ स्किल्स फॉर इन शेप रिकिग्निशन अब देखिये ब्लॉक्स की मदद से जब बच्चे चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं उनको पता है कि वर्ड मिलके या ट्राई एंगल्स मिलकर या सर्कल्स को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कुछ शक्लें ही बना रहे हैं या वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं बल्कि वो उन शेप्स का आपस का रिलेशनशिप भी तो सीख रहे हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखेंगे तो क्या नतज हासिल होंगे तो इस तरह से वो मैथमेटिकल स्किल्स को सीख रहे होते हैं फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी अच्छा ये दो चीज़ें हैं ये चार है मैंने चार ब्लॉक जोड़ दिए मैंने एक फिश बना दी या मैंने इसमें से चार ब्लॉक निकाल दिए अब ये छोटा हो गया है अब ये कम हो गया है अब मैं छोटी सीढ़ी बनाऊंगा मैं बड़ी सीढ़ी बनाऊंगा ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट तो कोई भी लर्निंग एकेडमिक अचीवमेंट के बगैर नहीं हो सकती कहीं वो मैथ की स्किल्स सीख रहे हैं कहीं वो लैंग्वेज की स्किल्स सीख रहे हैं कहीं सोशल और इमोशनल सीख रहे हैं फिर लॉजिकल रीजनिंग इनडायरेक्टली है हम ये कहते हैं कि जितना भी मैथ है इसकी बेस लॉजिकल रीजनिंग है हर चीज जो लॉजिक पे बेस करती है उसी से हम मैथ के इंफ्रेंस या ऑपरेशन बनाते हैं कि इतनी है तो फिर इसका दुगना कितना होगा तो तिगना कितना होगा बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं तो जब बच्चा लॉजिकल स्किल सीखता है तो ऑटोमेटिकली वो मैथमेटिकल स्किल्स भी सीखता है तो इस तरह से एकेडमिक्स के जो आपके आउटकम्स हैं हाँ वो लैंग्वेज और लिटरेसी के हों खा हाँ वो आपके आ, उसके मैथमेटिक्स के हों हाँ वो वर्ल्ड अस के हों या उसकी पर्सनल ग्रूमिंग के हों ये सारे आउटकम्स वो प्ले के जरिए बड़े अच्छे से सीख सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा उनको फ्री प्ले में इन्वॉल्व करना चाहिए हाँ ये टीचर का काम है कि वो उसको किस तरह से प्लान करता है कि मेरे जो एकेडमिक आउटकम हैं वो पूरे हों तो इसलिए वो उनको सुजेस्ट कर सकता है कि इस वक्त वो कौन सा खेल खेलें या कौन से खेल में से वो क्या उस उनको करके दिखाएं ठीक है जैसे हम कह सकते हैं कि जी मुझे एक अच्छा सा डॉल्स उसमें बना के दें और मुझे उसमें बताएं कि रोज़मर्रा की रूटीन क्या है या गुड़िया रोज एक जो छोटी गुड़िया स्कूल जाती है वो रोज़ाना क्या करती है तो ऐसी सूरत में आप उसको सेल्फ ग्रूमिंग सिखा सकते हैं तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम करिकुलर आउटकम्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं खेल के अंदर